तो गाइज मैं अभी शूट पे हूँ और आपने क्या पोर्ट्रेट इम्प्रेशन बैलेंस के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही कूल सा फीचर है जो कि निकॉन Z6 और Z7 II में आता है। आपने करना क्या है, अगर आपने इसका फर्मवेयर डाउनलोड नहीं किया है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और ये कमाल का फीचर है। क्या डिटेल्स है, आओ शूट करते हुए आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट शूटिंग। दोस्तों करना क्या है, फोटोशूट मेन्यू में जाओ और आप थोड़ा सा नीचे जब आते हो यहाँ पे आपको दिखेगा पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस। जब आप इसको क्लिक करते हो यहाँ पे आपको तीन मोड मिलने वाले हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले शॉट के लिए मैं आपको सिंपल शॉट करके दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैंने ये मोड जो है ऑन नहीं किया है। सिंपल शॉट लेंगे, देखते क्या आता है और इसके बाद हम जो ये तीन मोड हैं इसमें क्या करने वाले हैं वो मैं आपको भी बताता हूं। तो गाइज अभी जो स्क्रीन पे आप शॉट देख रहे हो ये है हमारा एक बेसिक शॉट लिया हुआ जहां पे हमने जो मोड है अभी ऑन नहीं किया। तो अब चलते हैं हम पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस के मोड में और मोड नंबर 1 को एक्टिव करते हैं। यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हम कर्सर को लेके जाते हैं, मजेंटा साइड का कलर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं, और अगर हम इसको राइट की तरफ ले जाएंगे तो यहां पे हम अगर एज अ फोटोग्राफर आपको येलो कलर पसंद है, आप चाहते हो कि मेरी टोन पे यू नो स्किन पे जब आप बाद में शॉट्स ले रहे हैं थोड़ा सा येलोइश सा कलर रहे तो आप ये पसंद कर सकते हैं। अगर आप कर्सर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये आप ब्राइटनेस ऑलरेडी सेट कर सकते हो शॉट लेने से पहले आपको कितनी ब्राइटनेस पसंद है। एज अ फोटोग्राफर वैसे मैं बोलूंगा मैं थोड़ा वार्म साइड पे शॉट्स लेना पसंद करता हूं। तो हम मोड 1 में जो भी सेट करेंगे, अभी मैं काम करता हूं आपको पूरा मैजेंटा की तरफ मोड 1 लेके जाता हूं एंड इसको सेट करते हैं एंड शॉट देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है रेगुलर और मोड 1 में। तो गाइज अब हम चलते हैं मोड नंबर 2 पे, मोड नंबर 2 सेलेक्ट करते हो। अगर आप ह्यू जो है येलो की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो अभी मैं जो है कर्सर को राइट लेके जाता हूं और एकदम नीचे ले जाता हूं यहां पे और इसको सिलेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि कितना डिफरेंस आता है शॉट पे। तो गाइज ये जो शॉट देख रहे हैं मोड 2 का शॉट है, लेकिन एक चीज़ है कमाल की, आपने नोट करी है कि नहीं कि आप देखो दोनों मोड को सिलेक्ट करने के बाद एक चीज़ है कि सिर्फ कलर चेंज होएगा हमारा वो हमारे मॉडल के फेस का चेंज हो रहा है, पूरा आउटफिट वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी आप शॉट लेते हैं कभी भी कोई भी मोड आप सिलेक्ट कर लेंगे जो कलर आपकी प्रेफरेंस के हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्किन है वहाँ पे आप कलर्स वगैरह में डिफरेंस देखें, आउटफिट्स कभी भी नहीं चढ़ा जाएगा, जो कि बहुत ही कूल ऑप्शन है। चलो मोड नंबर 3 देखते हैं। तो मोड नंबर 3, अब देखो यार मेजरली सब कुछ आपके पास है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप क्या सेट करना चाहते हैं। ये होता ना कि तीन प्रीसेट्स हैं आपके पास। अब मैं सोचता हूँ मेरे को एक थोड़ा इस कलर में रख लूँ, दूसरा मैं थोड़ा येलो में रख लूँ, तीसरा मैं तीसरे बटन को ऐसा सेट कर दूँ कि मेरी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट हो जाए, वो टोटल आप पे। सो अभी के लिए हम इसको ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि इसी शॉट में विदाउट चेंजिंग एनीथिंग जो ब्राइटनेस है कैसे चेंज हो जाती है। एंड बाकी रेस्ट इज अप टू यू कि जो भी मोड जो भी आपको अपने प्रीसेट सेट करना है वो आप कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ना हम लोग जो ब्राइटनेस है थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, देखते हैं एकदम से शॉट में जो है क्या डिफरेंस आता है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे तीन मोड्स, आई होप आपको पसंद आए। और कमाल की बात ये है कि आप चाहे रॉ पे शूट करें, जेपेग पे शूट करें, ये दोनों पे इंप्लाई करता है, दोनों में आपको डिफरेंस जो है अपने शॉट में नजर आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना और अगले टिप्स के साथ क्या क्या नया निकॉन लेके आ रहा है जल्दी वापस आता हूँ आपके लिए। सी या।